जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना भाई। जिंदगी एक सफर है तो हम सफर ही कर रहे हैं। फिलहाल हम आज जा रहे हैं नई जगह की शुरुआत के साथ, तो फिलहाल देखते हैं। हमने गुरुद्वारे से जो है वो जल्दी चेकआउट कर लिया था, क्योंकि फिलहाल लगभग 8 बजे के बाद वो वहाँ पे किसी को रुकने नहीं देते, क्योंकि दिन में काफ़ी लोग आते रहते हैं। तो सामान वगैरह हमने साथ में ही ले रखा है। फिलहाल वापसी का हम देखेंगे जब भी होगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत है नहीं। 5 बजे के बाद या पहले कभी भी आ सकते हैं। यहाँ से मंदिर जो है वो थोड़ी दूरी पर है। फिलहाल कहाँ पे जा रहे हैं आप सभी को मालूम होगा, हम जा रहे हैं जाखू टेंपल, जो कि जो शिमला का सबसे फेमस मंदिर है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे हम तेल डलवा लेते हैं। फिलहाल रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो बाइक में हमने तेल वगैरह डलवा लिया है, लेकिन काफ़ी टाइम हमारा वहाँ पे वेस्ट हो गया। तो उसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे कार्ड वगैरह अलाउड है या कैश है, उसके अलावा ऑनलाइन कोई भी साधन नहीं है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया हमें। तो फिलहाल हम जो है यहाँ से मंदिर जा रहे हैं। इसके लिए काफ़ी सफ़र है, क्योंकि ये मंदिर जो काफ़ी हाइट पे है, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा घूम के जाना रहता है, तो बाइक पे जाना भी है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिलहाल हमारा प्लान था कि हम पैदल जाएं, लेकिन पैदल जाने से अच्छा हमने सोचा कि बाइक पे चलते हैं, काफ़ी बढ़िया रहेगा, क्योंकि पैदल जाने में हमारा टाइम जो है वो काफ़ी वेस्ट हो जाता, काफ़ी टाइम लग जाता वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो इसलिए हमने सोचा कि हम बाइक पे ही चलेंगे, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। यहाँ पे फ़िलहाल ये वन वे है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यही दिक्कत रहती है कि वन वे या टू वे, इसके लिए चालान जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोटे वसूले जाते हैं। तो फिलहाल हमारा यहाँ पे हम नहीं जा सकते भाई, यहाँ पे नो एंट्री लिखा हुआ था, तो फिलहाल हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है भाई। एक बार हम बच गए थे पिछली टाइम, तो काफ़ी ज़्यादा समस्या होने वाली थी। तो हम मंदिर पहुँच चुके हैं। फिलहाल ये मंदिर का फर्स्ट फर्स्ट व्यू है, ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हनुमान मंदिर जाखू। तो फिलहाल हम चलते हैं मंदिर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो है यहाँ पे हनुमान चालीसा जो है वो लिखा हुआ हर जगह पे। अगर किसी को इसके बारे में मालूम नहीं तो यहाँ पे भी पढ़ सकता है, तो इससे पूरे का पूरा आपको पता चल जाएगा। तो ये शायद ऊपर तक है, पूरी पंक्तियाँ लिखी हुई होंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हर जगह पे, हर स्थान पे एक एक पॉइंट, एक एक दोहा लिखा हुआ है। तो फिलहाल इसी के बहाने हम साथ में पढ़ते हुए मंदिर तक पहुंच चुके हैं, एक एक पॉइंट को याद करते हुए। तो ये रहा टॉप व्यू, जो मंदिर का टॉप व्यू है। तो हम आपको आगे दर्शन करवाते हैं। और यहाँ पे काफ़ी बड़ी मूर्त है जो कि हनुमान जी की बनी हुई है, इसलिए ये मंदिर जो है वो सबसे प्रसिद्ध है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा डर रहता है बंदर वगैरह का। यहाँ पे बंदर जो है वो सबसे ज़्यादा है, आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको हर चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि आपके पास कोई भी चीज़ होगी तो ये छीन लेते हैं भाई, इसमें कई बार ऐसा हुआ। तो ये रहा मंदिर का जो फर्स्ट फ्रंट व्यू है, जाखू मंदिर। तो हम आपको यहाँ से दिखाते हैं मंदिर के अंदर जो है मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है। तो फिलहाल हमने सामान जो है वो जूता घर के अंदर रख दिया है। फिलहाल उसके अलावा सामान लेके अंदर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे देख सकते हैं मंदिर, इसके साथ हम आगे चलते हैं और आपको दर्शन करवाने की कोशिश करेंगे। ये रहा फ्रंट लुक मंदिर के फ्रंट का, तो चलते हैं हम अंदर। फिलहाल हमने दर्शन कर लिए हैं, थोड़ी देर हमने बैठे अंदर, तो उसके बाद हम वापस आ चुके हैं। फिलहाल हम आपको बाहर से दिखाते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे मंकी वगैरह आपको मिल जाएंगे।
बस इनसे थोड़ा सावधान रहना पड़ता है क्योंकि ये कोई भी चीज़ है हाथ से छीन सकते हैं। तो ये पास में एक और मंदिर है हनुमान जी का। फिलहाल हम चारों साइड से आपको व्यू दिखा रहे हैं। ये मंदिर के फ्रंट साइड का व्यू है। फिलहाल ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। नंगे पांव घूमना भी है, काफ़ी मुश्किल हो रहा है बाहर। सामान वगैरह आपको यहाँ मंदिर के पास में मिल जाएगा, प्रसाद लेना हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पे कुछ दुकानदार वगैरह बैठे हुए हैं, हर सामान आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो मंदिर में हमने माथा टेक लिया है। फिलहाल हम चलते हैं लंगर घर के अंदर क्योंकि पेड़ पूजा जो है वो सबसे ज़रूरी है। तो चलिए करते हैं। तो ये है हनुमान जी की मूर्त जो कि काफ़ी बड़ी और काफ़ी ऊंची है। फिलहाल ये दूर दूर से भी दिखाई देती है। ये जो पेड़ हैं इनसे भी ऊपर काफ़ी ऊंची दिखाई देती है, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है ये मंदिर। इस मंदिर को देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से जो पर्यटक वगैरह आते रहते हैं। भाई ऐसी काफ़ी बड़ी मूर्त बनाने के लिए आप सोच सकते हैं किस तरीके से बनाई हुई है। ये रहा एक 360 व्यू। फिलहाल ये जो हनुमान जी की मूर्त है फ्रंट से फोटो या वीडियो ले पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसका जो फ्रंट मुख है वो दूसरी साइड में है, तो इस साइड से आपको फ़ोटो ले पाना बिल्कुल ही मुश्किल है। फ़ोटो वगैरह नहीं ले सकते आप, एक साइड से बिल्कुल आराम से ले सकते हैं लेकिन फ्रंट जो बिल्कुल भी नहीं है। फ़िलहाल हम आ चुके हैं पार्किंग में, यहाँ पे हमने बाइक पार्क कर रखी थी। तो फ़िलहाल अभी यहाँ से करेंगे वापसी। फिलहाल ये पार्किंग जो है बिल्कुल फ्री है, तो अभी यहाँ से चलते हैं वापसी।